आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का लेग ग्रेवी। चले आए शुरू करते हैं। लेग ग्रेवी बनाने के लिए किन अज़ा की ज़रूरत है, बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार होता है। अस्सलामुअलैकुम, अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाने वाली हूँ। आज हम सालन बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म का। आज हम लेग ग्रेवी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। लेग ग्रेवी के लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, लेग मैंने 1 kg के करीब ले लिए हैं, बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे से लेग मिल जाते हैं बाज़ार से। लेग ले लिए 1 kg के करीब। 4 teaspoon मैंने दही लिया है, 2 लहसुन लिए थे उसके जब्बे, उसको छील लिया लहसुन को मैंने, बड़ा एक प्याज लिया स्लाइस में कटा हुआ, 3 अदर टमाटर लिए हमने, 1/2 teaspoon हल्दी लिए, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा लिया, साबुत बड़ी इलायची ले ली 2 और थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा है। बस ये थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, चंद चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार किस्म की ग्रेवी बनने वाली है। 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर ले लिया, 1/2 teaspoon नमक ले लिया मैंने और 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ले ली है। चले आए शुरू करते हैं। हसबे ज़रूरत ऑयल डालेंगे इसमें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का सालन बनाना। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूज़, जितने भी चैनल देखने वाले, यूट्यूब चैनल देखने वाले, वो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। मज़ेदार किस्म की ग्रेवी तैयार होने वाली है आज, चिकन की ग्रेवी, चिकन लेग ग्रेवी, बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें प्याज, प्याज के साथ ही लहसुन, लहसुन इस ग्रेवी के अंदर ज़्यादा डलता है। ये देखिए लहसुन मैंने काफ़ी सारा छील के इसमें डाला। ये देखिए प्याज हल्का सा हो गया, इसको हम निकाल के एक मिक्सी जार के अंदर ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरह से। निकाल लिया इसमें से और हम इसको मिक्सी जार में कर लेंगे। इसमें डालेंगे चिकन जो लेग हमने रखे थे, लेग हमने अच्छे तरीके से फिर कर लिए। इसी जार में मैंने लहसुन प्याज जो मैंने ब्राउन किया था वो रख दिया है और इसमें चला गया दही। बिस्मिल्लाह, हमने ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया। इसका देखिए कलर कितना नाइस आ गया, नाइस सा कलर आ गया। इसमें चला जाएगा साबुत गरम मसाला, टमाटर, ब्लेंड किया हुआ लहसुन प्याज साथ दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक मिक्स करेंगे। ये देखें कितना नाइस सा कलर आया इसमें। इसको रख देंगे ढक के तकरीबन 15 मिनट के बाद देखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें चिकन हमारा बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुका है और लेग भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं जिस तरह का हमें चाहिए। बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों पर हम कट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही साबुत हरी मिर्चें में डाल देनी है और जो काली मिर्ची पाउडर वो भी डाल देना है।
इसमें जाएगा एक गिलास पानी का, एक से डेढ़ गिलास पानी का डाल दें। ये हमने डेढ़ गिलास पानी का डाल दिया। ये भी हमारी बहुत ही मजे की तैयार होने वाली है चिकन लेग ग्रेवी। 5 मिनट तक पकाएंगे इसको, 5 मिनट के बाद में डिश आउट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है, लेग ग्रेवी। चले आए डिश आउट करते हैं। इतनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। इसके साथ मैंने गरम गरम से नान साथ मंगवाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के नान, क्योंकि इस ग्रेवी के साथ नान बहुत मज़े की लगती है। हमारे घर तकरीबन सर्दियों के अंदर मैं इस तरीके का सालन बनाती हूँ। दरअसल मौसम चेंज होता है तो गर्मियाँ जाने वाली होती हैं, सर्दियाँ आने वाली होती हैं, फिर मैं इस तरीके का सालन बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है, मज़ेदार लगता है बच्चों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अस्सलाम।